न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य से जुड़ी इस वक्त की खबर। रामेश्वर डूडी की तबीयत में सुधार है, संभवतः कल तक किया जा सकता है आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट। डॉक्टर्स को अगले 2 से 3 दिन में डूडी के होश में आने की उम्मीद है। ब्रेन हेमरेज की सर्जरी के बाद मेदांता में शिफ्ट किया गया था। जिस तरीके से उनको ब्रेन स्ट्रोक आया उसके बाद दुआओं का दौर शुरू हुआ, क्योंकि रामेश्वर डूडी को जिस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक आया उसके बाद उनकी तबीयत काफी नासाज हो गई थी। तमाम नेता उनसे मिलने पहुंचे थे, फिर परिवार के कहने के बाद उनको मेदांता शिफ्ट किया गया। बाकायदा डॉक्टर त्रेहान के साथ बातचीत की गई और अब जो एक सुखद खबर मिल रही है वो खबर यह है कि उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये अपने आप में एक मेरेकल है अगर उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अगर वो सामान्य स्थिति में आते हैं तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि दवा के साथ दुआओं ने काम किया है। मेरेकल क्यों है इसको भी अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो 17 mm का ब्रेन शिफ्ट हो गया था। अब आप जब मैं ये बोल रही हूँ तो आप कल्पना कर सकते हैं ब्रेन कैसा दिखता है, कैसी उलझी हुई नसें होती हैं, और उसमें 17 mm जब ये उनको प्रेशर हुआ और जब उनको इस तरह का अटैक आया तो उस समय 17 जब बाद में जब मेदांता लाया गए और अशोक गहलोत ने जब मेदांता की टीम से बात करी, सीनियर डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने एक पूरी कमेटी के साथ पूरी रिपोर्ट डिस्कस की और जब डिस्कस करने के बाद जब उनको लगता है कि केस में सुधार हम कर सकते हैं तभी वो केस को लेते हैं। तो जब केस को लेने के लिए हामी भरी तभी ये उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतर हो सके, लेकिन जब यहाँ पे लाए गए और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि 17 mm का ब्रेन शिफ्ट हो चुका है। इसलिए स्थिति बहुत ज्यादा आसान नहीं होगी और अगर सुधार हो भी जाता है तो बहुत समय लगेगा पूरी तरीके से आप चलने फिरने को लेकर। फिर भी इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, लंबे समय तक उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तमाम चीजें होंगी। उनके परिवारजनों ने मेदांता के ठीक सामने एक फ्लैट है जो अक्सर सुविधाएं होती हैं बड़े अस्पताल के सामने, क्योंकि आपको लंबा रहना पड़ता है तो आप एक फ्लैट ही लेते हैं, तो उनकी पत्नी ने, भतीजे ने और तमाम चीजों ने वहां पर, तमाम लोगों ने जो कि परिवार के हैं, बेटी खुद गुड़गांव में ब्याही हुई है, 2 बेटियां हैं तो वो भी वहीं रहती हैं। तो लगातार जो जिस दुआ की आप जिक्र कर रहे हैं पूरा बीकानेर खासतौर पर, और एक और आपको कह दिए पॉलिटिकल बातें से बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनकी तबीयत में सुधार पिछले 3 दिन से डॉक्टर बता रहे हैं। हालांकि अभी भी ये कहा गया है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह की परेशानी, क्योंकि लंबा समय लगेगा उनको अपने नॉर्मल जो रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल अदिति, अभी तो ये भी देखना होगा कि जब उनको होश आएगा तो उनका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कितना एक्टिव है और ब्रेन कितना काम कर रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, इसलिए और भी बहुत सारे, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी हुई पूरी बॉडी, बॉडी ऑर्गन और खासतौर पर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो ऐसे में हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा है और बस फिंगर्स क्रॉस ही कह लें। लेकिन एक बहुत खास बात यह है कि हमने क्योंकि चुनावी मौसम है और हमने देखा था कि 2018 में किस तरीके से क्या घटनाक्रम हुए थे, और आपको याद होगा चुनाव के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से जितने भी उनके इलाके के लोग थे और उनके समर्थक थे वो ये मानते थे कि राजनीति में अगर इनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही की है। लेकिन जिस तरीके से, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उनके परिवारजनों से बात करी और उन्होंने ये बात मुझे खुद कही, इसलिए मैं खुद जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रही हूँ कि जैसे उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद से लेकर अब तक की स्थिति में, चाहे सुधार हो, चाहे उनका ट्रीटमेंट हो, चाहे इमीडिएट एक्शन हो, सब चीजों के लिए ना सिर्फ परिवार बल्कि वो समर्थक उनके जो ये कहा करते थे कि उनकी राजनीतिक चीजें जो खराब हुई है वो अशोक गहलोत की वजह से हुई है, आज वो यही कह रहे हैं कि आज अगर तबीयत में सुधार है या जीवन बचा है तो वो भी अशोक गहलोत की वजह से हुआ है। तो ऐसे में दुआएं काम आ रही हैं, एक दूसरे के सपोर्ट काम आ रहे हैं, एक दूसरे का साथ काम आ रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है। हालांकि एक ना तो कोई समय है और इस समय ये बात करने की, बिल्कुल अदिति हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि भाई चुनावी साल है वो जल्दी से अपने राजनीतिक अंदाज में एक बार फिर से लोगों के बीच में हो, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए अपने ही अंदाज में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने।